कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं के करियर पर ब्रेक। मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर कांग्रेस की 2 करारी हार हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कद्दावर नेता चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश दिग्गज नेताओं के करियर का क्या होगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह रतलाम से कांतिलाल भूरिया बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के अभेद्य दुर्ग छिंदवाड़ा को हार गए हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार कांग्रेस की यहां से हार हुई है। राजगढ़ में दिग्विजय की करारी हार, 1,42,000 वोट से हारे। जी हां, मध्य प्रदेश में राजगढ़ की लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वह 3 दशक बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा। उनको भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर ने लगभग 1,42,000 वोटों से हरा दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह का हौसला फिर भी नहीं टूटा और उन्होंने इंडिया गठबंधन की जमकर तारीफ की। छिंदवाड़ा में बीजेपी के शेर ने कमलनाथ का पुश्तैनी किला तोड़कर रचा इतिहास। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने छिंदवाड़ा में इतिहास रच दिया है। इस सीट पर एमपी बीजेपी का मिशन 29 अब सफल कहा जा सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की सीट 1980 से कांग्रेस के कमलनाथ परिवार की गढ़ रही है। लेकिन इस बार एक स्थानीय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पर भाजपा ने दांव खेला और ऐतिहासिक रूप से कमलनाथ के गढ़ को ढा दिया है। राहुल गांधी का खटाखट एमपी में हुआ फेल। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई है। बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंप दी थी। बताया जाता है कि जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 5 सभाएं की थीं। इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा ने रचा इतिहास। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों में जहां भाजपा के सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने देश भर में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, तो वहीं इस बार नोटा ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर लोकसभा सीट पर 2 लाख से अधिक वोट नोटा को मिले हैं। यह देश भर में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देश में सबसे बड़ी जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी का नया सितारा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब राजनीतिक फलक पर काफी ऊपर देखे जा रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर दिल्ली जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ब्रांड शिवराज का जलवा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी उनकी योजनाओं का बोलबाला था। कई मामलों में वह नरेंद्र मोदी से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में शिवराज की जीत बड़ी है। एमपी में बीजेपी 29 सीटें जीत रही हैं, तो उसमें शिवराज की योजनाओं और उनकी सक्रियता का बड़ा रोल है। नई एनडीए सरकार में शिवराज, सिंधिया का मंत्री बनना तय। जी हां, मध्य प्रदेश से दिग्गज नेताओं को नई केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में आगे है। हालांकि मंत्री पद की कतार में अन्य नेताओं के नाम भी हैं, लेकिन चूंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए इनके मंत्री बनने की राह में एनडीए के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी का पेच फंस गया है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी ली। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम सभी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास किए, परंतु विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के धन और बल के प्रयास सफल हुए, परंतु पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं मध्य प्रदेश में आए परिणाम को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं और इन परिणामों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पंचायत से संसद तक का सफर कर इतिहास रचा। जी हां, सागर को 44 साल बाद मिली महिला सांसद मिली है, जिसने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद सागर लोकसभा सीट एक बार फिर भाजपा के खाते में पहुंच गई है। वहीं सागर को इतिहास में दूसरी बार महिला सांसद मिली है। बता दें कि नव निर्वाचित बीजेपी सांसद लता वानखेड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को 4,59,000 वोट से शिकस्त दी है। सागर लोकसभा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी कैंडिडेट खटीक 4 लाख से अधिक मतों से जीते। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर मतगणना का कार्य समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही यहां के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जहां बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने बम्पर जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी ने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया है। बता दें कि टीकमगढ़ लोकसभा से चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक करीब 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत गए हैं।